गुजरात से जारी बारिश से मुंबई में त्राहिमाम, यातायात बुरी तरह प्रभावित। रेलवे ट्रैक डूबने से रेल सेवा पर पड़ा असर। नाला सोपारा में रोकी गई अहमदाबाद से मुंबई आ रही शताब्दी एक्सप्रेस। नाला सोपारा इलाके का दिखा बेहद बुरा हाल। अप डाउन की फास्ट लाइन पर भी ट्रेन सेवा रोकी गई। बारिश का विमान सेवा पर भी असर। मुंबई से 151 विमानों की उड़ान में देरी। जल भराव से दरिया में तब्दील दिखा नाला सोपारा इलाका। जनजीवन अस्त व्यस्त, हर तरफ सैलाब सा मंजर। यातायात की मुसीबत। रेलवे ट्रैक पर जलभराव से भाईंदर से विरार के बीच ट्रेन सेवा रद्द, यात्री परेशान। लगातार बारिश की वजह से खार बांद्रा जैसे इलाके पानी पानी। बारिश ने रोकी मायानगरी की रफ्तार, सड़कों पर जलभराव। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा जाम। मुंबई में भारी बारिश के बीच समंदर में उफान, हाईटाइड के वक्त ऊंची उठी लहरें। मौसम विभाग का अलर्ट, मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में होगी भारी बारिश। रात 8:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक लगातार 12 घंटे बरसात, शहर में 169 मिलीलीटर बरसात। बारिश के बीच मुंबई में आज नौकरी पेशा को लड़ने होगी भूख से जंग, डब्बा वाले दफ्तरों में रोकी सर्विस। जू में अमिताभ बच्चन का घर जलसा भी जल भराव का शिकार हुआ, हर तरफ भरा पानी। बायकुला इलाके में भारी जलजमाव, कल से ही परेशान है लोग। पालघर के वसई इलाके में भारी बरसात के बाद घर में घुसा पानी, 150 से ज्यादा घर के 400 लोग प्रभावित। मुंबई के जीटीपी नगर इलाके में भी बुरा हाल, पूरा इलाका बन गया तालाब। कई इलाकों में इस वक्त बारिश नहीं लेकिन खार स्टेशन पर जमा पानी से लोग परेशान। मुंबई में सड़कें, गलियां, सोसाइटी सब जगह बारिश का पानी। निचले इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक का बुरा हाल, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद रहे। तेज बारिश के बाद मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूबी, लोकल की रफ्तार में ब्रेक की आशंका। मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई की प्यास बुझाने वाला तुलसी लेक हुआ ओवरफ्लो, इस बार समय से पहले भर गया पानी। मूसलाधार बारिश ने बोरीवली के 3 मकानों को किया ध्वस्त, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। मुंबई के हिंद माता में जलभराव का सबसे ज्यादा असर, घरों में कैद होने को मजबूर हुए मुंबईकर। महाराष्ट्र के अकोला में 2 दिन से जारी बारिश से बाढ़ के हालात, नदी में बहने से एक महिला की मौत। गुजरात के वलसाड में टूटा आसमानी कोहराम, कई रिहायशी बस्तियों में भरा पानी। तेलंगाना के कोठागुडम में भारी बारिश के बाद डूबे दर्जनों गांव, लोगों ने बुजुर्ग महिला को कंधे पर उठाकर पार कराई नदी। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात, जलपाईगुड़ी में सरकारी अस्पताल पानी में डूबा। झारखंड में अच्छी बारिश के लिए रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा, 51 फलों का भोग। चमोली में भारी बारिश के बाद उफान पर मंदाकिनी, रास्तों में कई जगह हुआ भूस्खलन। चंपावत में बारिश के बाद सड़क पर आया मलबा, 3 घंटे तक हाईवे जाम। ऋषिकेश में भूस्खलन के बाद गंगोत्री हाईवे बंद, सड़क के दोनों तरफ फंसे सैकड़ों तीर्थयात्री। कर्नाटक के उडुपी में अंतिम संस्कार के लिए टायरों पर शव रखकर ले गए लोग, भारी बारिश के दौरान कल हुई थी महिला की मौत। नागालैंड के कोहिमा में सड़क डूबने से सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी, मणिपुर से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 29 भारी बारिश से बंद। जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में सुरक्षा बल 2 आतंकवादियों को मार गिराए, 2 जवान और 4 नागरिक घायल, पत्थरबाजों ने जमकर मचाया उत्पात। शोपियां के घर में गिरे आतंकवादियों ने हाल ही में आतंकी संगठन से जुड़ने वाला जीनत नायकू भी शामिल, बेटे जीनत के गिरने की खबर सुनकर पिता मोहम्मद इशाक नायकू को पड़ा दिल का दौरा, हुई मौत। बीएसएफ और पुलिस ने कुपवाड़ा से 4 तस्करों को पकड़ा, 2 AK-47, AK मैगजीन, 12 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद। श्रीनगर में सिखों का प्रदर्शन, त्राल में सिख लड़की को चाकुओं से गोदने के विरोध में सड़क पर उतरे सिख। कठुआ रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 में से 7 आरोपियों को गुरदासपुर जेल में शिफ्ट करने का दिया आदेश, ट्रायल के दौरान पेशी में ज्यादा वक्त लगने के बाद फैसला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरबेस के पास से संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार, एयर स्टेशन में घुसने की कोशिश के दौरान दबोचा गया। ड्रैगन की बड़ी हिमाकत, 15 दिन में 15 बार भारतीय सीमा में घुसी चीनी सेना। चीन ने पाकिस्तान के 2 उपग्रह किए लॉन्च, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में देगा अहम जानकारी। राष्ट्रपति भवन पहुंचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने की अगवानी।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन का राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत, बाद में मेजबान और अतिथियों का एक दूसरे से कराया गया परिचय। आज होगी पीएम मोदी और मून जे इन की द्विपक्षीय वार्ता। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के साथ मतभेद को नीतीश ने किया खारिज, बड़े भाई की भूमिका में रहने की खबरों को बताया आधारहीन। तेज प्रताप के नो एंट्री के बोर्ड पर बिफरे नीतीश, कहा किसी बीमार शख्स का हालचाल पूछना गुनाह है क्या। गिरिराज सिंह पर भी नीतीश ने किया पलटवार, बोले हम न किसी को बचाते हैं और न ही किसी को फंसाते हैं। दिल्ली में फैला मलेरिया का प्रकोप, 50 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, सामने आई सरकार की नाकामी। पीडब्ल्यूडी के नालों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली के सीएम, इंजीनियर्स को सस्पेंड करने के आदेश। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच फिर अधिकार की जंग पहुंची कोर्ट, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एलजी से 9 मामलों को लेकर विवाद पर दी अर्जी। पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को पटियाला कोर्ट से मिली थोड़ी राहत, एयरसेल मैक्सिस डील में 7 अगस्त तक नहीं हो सकती गिरफ्तारी। हैदराबाद में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, शराब के नशे में एक पिता ने 3 साल के बेटे को ऑटो रिक्शा पर पटका, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है मासूम। दरिंदगी भरी वारदात के बाद लोगों ने मासूम को पिता की गोद से छीना, मां ने नहीं दर्ज कराई शिकायत, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने खुद दर्ज की FIR। बिहार के हाजीपुर में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल, चोरी के आरोप में पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरैना में मिड डे मील खाने के बाद 11 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, अफसरों की टीम जांच में जुटी। पटना के फतुहा में 6 साल के बच्चे की रहस्यमयी तरीके से स्कूल हॉस्टल में हत्या, 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। ओडिशा के बोलंगीर में नाबालिग लड़की से रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वडोदरा में शराब की बिक्री को लेकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, शराब की भट्टियों में तोड़फोड़। बिहार के भागलपुर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद हड़कंप, हादसे में 3 की मौत, 15 घायल। बिहार के पूर्णिया में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, ऑटो चालक पर लगा दुष्कर्म का आरोप, लोगों ने की पिटाई। यूपी के सीतापुर में दारोगा भर्ती दौड़ में 7 महिला प्रतियोगी हुई बेहोश, मौके पर स्ट्रेचर की नहीं थी व्यवस्था। मध्य प्रदेश के दमोह में स्कूल की बिल्डिंग में शराब माफियाओं का कब्जा, पुलिस की मिलीभगत का आरोप। हरियाणा के रोहतक में नहर में गिरकर 2 लोगों की मौत, शवों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तमंचे के बल पर नाबालिग लड़की से गैंग रेप, गांव के लिए 2 युवकों पर रेप का आरोप। टीकमगढ़ में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं, खुदकुशी की वजह की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी गोली, फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल। उदयपुर में दहेज मांगने पर लड़की ने सिखाया सबक, शादी से इनकार के बाद बेरंग लौटा दूल्हा, केस दर्ज। अमृतसर में निहंग जत्थेबंदी और सत्कार कमेटी के सदस्यों के बीच खूनी टकराव, दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बूंदी में दिन दहाड़े ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करके ले जा रहे युवक को लोगों ने पकड़ा, जमकर पीटा। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने 4 शूटर्स को दबोचा, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या में इस्तेमाल पिस्टल गटर से बरामद, वारदात के बाद आरोपी को ठिकाने लगाने की कोशिश। 10 घंटे की सर्च ऑपरेशन के बाद गटर से 1 पिस्टल बरामद, 2 मैगजीन और 22 जिंदा कारतूस बरामद। हरदोई में पत्नी ने की पति की हत्या, वारदात के बाद शव को घर की कोठरी में दफनाया, खुलासे के बाद गिरफ्तार। 25 से ज्यादा मामलों में गैंगस्टर दिलप्रीत को चंडीगढ़ पुलिस ने दबोचा, हथियार और ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। यूपी के बरेली में इंसानियत शर्मसार, महिला और उसके बेटे के साथ भीड़ ने की हैवानियत। महिला पर लगा अवैध संबंध का आरोप, लड़के की पत्नी और परिवार वालों ने बेरहमी से पीटा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बदमाशों की एक घर के सामने खुलेआम फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की हुई पहचान। यूपी के सोनभद्र में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, टाटा सफारी के डिवाइडर से टकराने के बाद हादसा। कोटा में वाटर पार्क में डूबने से इंजीनियरिंग छात्र की मौत, सिर पर चोट लगने से पानी के नीचे फंसा। कोयंबटूर में निजी फैक्ट्री में काम करने वाले 50 मजदूरों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन, फैक्ट्री मालिक पर मनमानी का आरोप। गाजियाबाद में 12 साल के बच्चे की बेरहम पिटाई का वीडियो वायरल, काम करने के बहाने ले गए थे फैक्ट्री। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने कब्र से निकालकर 2 मासूमों का कराया पोस्टमार्टम, मां ने पड़ोसी पर लगाया था हत्या का आरोप। मेरठ में बिजली के मीटर से छेड़छाड़ करने वाले गैंग का पर्दाफाश, बिजली विभाग को 30 करोड़ की चपत का अंदेशा।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टोल कर्मियों और डंपर चालकों में मारपीट, दो टोल कर्मचारी घायल। अपनी डेब्यू फिल्म धड़क को लेकर जानवी कपूर उत्साहित, फिल्म की रिलीज से पहले तिरुमला मंदिर में पूजा पाठ। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया के नफा नुकसान पर रखी बेबाक राय, बोली ट्रोल को कभी नहीं लेती सीरियसली। अमिताभ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की मोबाइल में व्यस्त अभिषेक, श्वेता और निवासी नव्या रवेली की तस्वीर, लिखा जो परिवार एक साथ मोबाइल चलाता है वो एक साथ रहता है। बॉबी देओल की फिल्म हाउसफुल 4 में मिली एंट्री, साजिद खान के निर्देशन में बॉबी के साथ अक्षय कुमार और रितेश देशमुख भी आएंगे नजर। मुंबई में हुई सनी लियोनी की बायोपिक करणजीत कौर दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी की स्पेशल स्क्रीनिंग, 16 जुलाई को वेब प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। मैंने जो स्टोरी बताया, मैंने पूरी कोशिश किया कि जितना ऑनेस्ट हो सकती हूँ उतना ही ऑनेस्ट थी। क्या होगा, क्या लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, यू नो, मैंने जो स्टोरी बताया, मैंने पूरी कोशिश किया कि 17 साल की खूबसूरत जिमनास्ट मदह हौजबरी ईरान में गिरफ्तार, डांस की दीवानगी बनी मुसीबत। हौजबरी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था डांस वीडियो और 300 तस्वीर, ईरान में प्रतिबंधित है इंस्टाग्राम, पुलिस ने हौजबरी समेत 4 महिलाओं को किया अरेस्ट। भ्रष्टाचार के मामले में सजा के ऐलान के बाद 13 जुलाई को पाकिस्तान वापस आएंगे नवाज शरीफ, कोर्ट ने नवाज को सुनाई है 10 साल की सजा। आतंकी आफिस सईद ने भारत और अमेरिका के दबाव में अपनी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का लगाया आरोप। थाईलैंड में गुफा में फंसे बच्चों की फुटबॉल टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, बचाव दल ने 8 बच्चों को गुफा से सुरक्षित निकाला। अभी भी गुफा में कोच समेत 4 बच्चे फंसे, राहत दल को सुरंग में पानी वाले हिस्से को पार करने में लगता है 5 घंटे का वक्त। आज फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, यूरोप के दो पड़ोसी देश फ्रांस और बेल्जियम के बीच होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग बल्लेबाज एरॉन फिंच ने T20 इंटरनेशनल में 900 रेटिंग अंक हासिल कर रचा इतिहास, उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज। स्टार बल्लेबाज मुकेश राहुल ने लगाई 9 पायदान की लंबी छलांग, ICC की T20 रैंकिंग में चोटी के 3 बल्लेबाजों में हुए शामिल। रॉजर फेडरर 16वीं बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के एड्रियन मानरीनो को सीधे सेटों में 6-0, 7-5, 6-4 से हराया। वर्ल्ड नंबर 1 राफेल नडाल 2011 के बाद पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, चेक गणराज्य के जिरी वेस्ली को 6-3, 6-3, 6-4 से हराया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।